ओम शांति। तो विशेष आज योग भट्टी का दिन है, तो आज विशेष हम जितने भी क्लासेस सुनेंगे योग के बारे में सुनेंगे। तो अभी का जो क्लास है उसका विषय है योग की विधि। योग की विधि क्या है? क्योंकि हमारा इस ब्राह्मण जीवन में सबसे महत्व का विषय है योग। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक होगा 10:30 से 12:30 बजे तक जीवन की समस्याओं का समाधान कैसे करें, जीवन में आने वाली समस्या का समाधान, कारणों का निवारण, नो प्रॉब्लम स्थिति। क्योंकि ये टॉपिक भी योग से कनेक्टेड है। जिसके जीवन में समस्या होगी, प्रॉब्लम्स होंगे, वो योग का अनुभव नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो भी बहुत सुंदर टॉपिक है। उसके बाद जो शाम को टॉपिक होगा योग, वो भी योग से रिलेटेड है, योग के लिए धारणाएं। शाम को 5:30 से लेकर के, लेकिन उससे पहले दिनचर्या तो आपको सुनाई जाएगी, और उसके बाद शाम को 7 से लेकर के 7:45 बजे तक हम बहुत सुंदर कमेंट्री के द्वारा योग करेंगे। तो इस तरह से आज का ये बहुत सुंदर विषय है। तो आज हम अब चर्चा करते हैं कि योग की विधि क्या है। बाबा हर मुरली में कहते हैं कि बच्चे मुझे याद करो, बच्चे मुझे याद करो। हर मुरली में, कोई मुरली ऐसी नहीं है बाबा इसके तरफ अटेंशन न देते हो। हर मुरली में बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो, क्योंकि याद के द्वारा ही हमारे विकर्म विनाश होंगे। जितना हम बाबा को याद करते हैं, याद से विकर्म विनाश होते हैं। याद के द्वारा ही हम कर्मेंद्रिय जीत बन सकते हैं, कर्मातीत बन सकते हैं। जो योग का अभ्यास करता है उसको एक अतीन्द्रिय सुख मिलता है, और जिसको ये सुख मिलता है उसको संसार का सुख फीका लगता है। शायद अभी की जो मुरली थी, अव्यक्त मुरली, बेहद के वैरागी बनो। वैराग कब आएगा? जब आपको अतीन्द्रिय सुख मिलेगा योग के द्वारा, ऑटोमेटिकली संसार से वैराग आएगा। इसलिए योग बल को हमें बढ़ाना है। जितना हम योग का अभ्यास करते हैं उतना आत्मा की चमक बढ़ जाती है, आत्मा की आंतरिक शक्तियां बढ़ जाती हैं। उसके वाणी में बल आता है, उसके कर्मों में बल आता है, उसके दृष्टि में बल आता है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे क्या करो, योग बल को बढ़ाओ। और जितना हमारे पास योग बल होगा उतना हम वाइब्रेशंस फैलाने की सेवा कर सकेंगे, जिसको बाबा कहते हैं मनसा सेवा, सकास देने की सेवा। तो इसीलिए हमें योग बल को बढ़ाना है। जिसके पास योग बल होगा असंभव कार्य भी संभव कर सकेगा। जो जीवन में कुछ असंभव बातें हैं, कोई ऐसा संस्कार है, ऐसे विकार हैं, उसके पर जीत भी प्राप्त कर सकते हैं। योग के द्वारा ही हमारे जीवन में दैवी गुणों की धारणाएं होगी। मुझे याद आए जब मैं शुरू शुरू में इस ज्ञान में आया था,
उस समय मुझे तो ज्ञान सुनाने की या और इतना ज्यादा कला नहीं थी, लेकिन जब मैं इस ज्ञान में आया मैंने शुरू से लेकर के योग के तरफ ज्यादा ध्यान दिया। जैसे स्कूलों में होता है, स्कूलों में जिसका इंग्लिश का सब्जेक्ट अच्छा है, मैथ्स अच्छा है, वो बाकी सब्जेक्ट उसके ऑटोमेटिकली अच्छे हो सकते हैं। इसी तरह इस ज्ञान मार्ग में भी जिन्होंने योग के सब्जेक्ट को अच्छा किया, उसका ज्ञान का सब्जेक्ट, धारणा का सब्जेक्ट, सेवा का सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना है, योग के सब्जेक्ट के तरफ ज्यादा थोड़ा सा ध्यान देना है। तो योग को हम कैसे बढ़ाएं, ये आपको योग का महत्व बताया। योग की महिमा तो अपरंपार है। तो योग का इतना बड़ा महत्व है, तो ऐसा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हम पक्का कैसे करें? नहीं तो कई भाई बहने क्या करते हैं, उनके पास योग बल नहीं होता, साधना नहीं करते, और जिसके कारण कभी टकराव हो जाता है, कभी कोई संस्कार वार कर जाता है, तो ज्ञान छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं, हमें योग बल को बढ़ाना है। योग बल से अनुभवी मूरत बनते हैं, और जो अनुभवी मूरत होगा वो कभी भी ज्ञान योग को छोड़ेगा नहीं, और कभी भी स्वभाव संस्कार के टकराव में नहीं आएगा, वो निरंतर चलता रहेगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, भविष्य में बहुत परिस्थिति आने वाली है, बहुत सारे विघ्न आने वाले हैं, उस परिस्थितियों का सामना करने के लिए, उन विघ्नों का सामना करने के लिए योग बल चाहिए, और वो योग बल अब हम जमा कर सकेंगे। आगे चल करके ऐसी परिस्थिति आएंगी उस समय योग में बैठ नहीं पाएंगे और बिजी हो जाएंगे। इसलिए अब से हमें क्या करना है, योग बल को बढ़ाना है। तो योग बल को कैसे बढ़ाएं? तो सबसे पहले योग लगाने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि योग हम कैसे लगाते हैं। योग में मन और बुद्धि बड़ी काम की चीज है। मन और बुद्धि, मन और बुद्धि को समझना बड़ा जरूरी है। तो बुद्धि क्या चीज है? बुद्धि एक नेत्र है। बुद्धि एक नेत्र है, और बुद्धि रूपी नेत्र जिन चीजों को देखता है वही मन चला जाता है। बुद्धि एक कैमरा है और मन एक टीवी है। जैसे कैमरे के सामने जो चित्र होता है वही चित्र टीवी में आता है। टीवी की कोई गलती नहीं है, टीवी में वही आता है जो कैमरा देख रहा है। इसी तरह बुद्धि एक कैमरे का काम करता है और मन एक टीवी का काम करता है। जहां बुद्धि जाते है उसके पीछे पीछे मन जाता है, ये सिद्धांत है। इसलिए कहते भी जहां हमारा ध्यान होगा वहां हमारा मन होगा। यह हमारा ध्यान योग है, मनोयोग नहीं है, ध्यान योग। इतना ध्यान लगाओ मतलब बुद्धि लगाओ, और जिसकी बुद्धि जाएगी उसका मन भी जाएगा। लेकिन कई भाई बहने क्या करते हैं, मन को लगाते हैं। बाबा में किसको लगाते हैं? मन को। मन से विचार करेंगे, मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं शक्ति स्वरूप हूं, केवल मन से विचार करेंगे। और बुद्धि कहां है, वो क्या देख रहे, उसके बारे में कोई भी अटेंशन नहीं आए। तो जब मन के संकल्प पूरे हो जाते हैं, सोचना बंद हो जाता है,
तब जहां बुद्धि गई है वहां मन पर फिर चला जाता है। फिर कहते अरे मैं तो योग में बैठा हूं, ये व्यर्थ विचार क्यों आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपकी बुद्धि वो देख रहे हैं। इसीलिए पहले हमें बुद्धि के तरफ ध्यान देना है। बुद्धि बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी इसी समय आपको कहा, इसी समय मधुवन में ओम शांति भवन में बहुत सुंदर लाइटिंग की है और ओम शांति भवन को अच्छी तरह सजाया है। बीच के सीढ़ी से आप सभी ऊपर जा रहे ओम शांति भवन देखने के लिए। ओम शांति भवन देख करके आप नीचे आए, पांडव भवन के पर आंगन में आए, शांति स्तंभ के पास खड़े हैं। शांति स्तंभ जिसमें मार्बल के ऊपर पवित्र स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ ये सब लिखा हुआ है। वहां से आप झोपड़ी के पास आए, झोपड़ी के अंदर जाकर के वो बाबा का सुंदर खत लिखता हुआ फोटो देख रहे। उसके बाद आप पीस पार्क में गए, पीस पार्क जहां ओम बना हुआ है बहुत बड़ा सीमेंट का, और वहां से खड़े होकर के वो बगीचा के वगैरह देख रहे। उसके बाद नीचे आप डायमंड हॉल में आए, डायमंड हॉल बहुत बड़ा बाबा का एक स्टेज पर चित्र लगा हुआ है ब्रह्मा बाबा का। उसके बाद आप वहां से तपस्या धाम में गए, तपस्या धाम से पीछे मुड़ करके देख रहे एक पहाड़ी पर बहुत सुंदर ओम शांति लिखा हुआ है। तो सभी को दिखाई पड़ा अभी? सभी अभी तो मुझे आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन वहां कौन गए? बुद्धि गई। ये है आपका योग वहां गया था लगा था। इसी तरह शरीर हमारा यहां बैठा है तो यहां बैठे बैठे अव्यक्त वतन को देखना, अव्यक्त वतन के अंदर जो बाबा बैठा है उसको देखना, उनसे बातें करना, परमधाम को देखना, अपने मूल वतन में अपने ओरिजिनल स्थान में बैठना, उस निराकार से बातें करना, यह है योग। शरीर यहां बैठा है लेकिन बुद्धि वहां गई, तो यह है योग। तो ऐसे जब हम योग में बैठते हैं पहले विजन बनाना जरूरी है, विजन जिसको कहते हैं दृश्य। और जो बुद्धि को दृश्य देता है, विजन देता है, उसकी बुद्धि भटकेगी नहीं। वो कितना घंटा भी योग लगाएगा उसके लिए योग बोरिंग का सब्जेक्ट नहीं लगेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, योग में बुद्धि का प्रयोग कम करते हैं और इसीलिए योग में आनंद नहीं आता, योग में अनुभूति नहीं होती। अगर योग में अनुभव करना है तो बुद्धि का प्रयोग करना बड़ा जरूरी है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? पानी। इसी तरह मन और बुद्धि दोनों जब परमात्मा के साथ ज्वाइंट होते हैं तब सुख और शांति मिलना शुरू हो जाते हैं। अगर योग में बैठते समय मुझे सुख और शांति की अनुभूति नहीं हो रही, इसका मतलब मेरी मन और बुद्धि बाबा के तरफ नहीं गई है। इसीलिए बड़ा जरूरी है मन बुद्धि बाबा में लगाना। लेकिन बुद्धि बाबा के तरफ क्यों नहीं जाती? जिसकी बुद्धि स्वच्छ है, स्वच्छ बुद्धि के सामने ही विजन क्रिएट हो सकते हैं। इसलिए अगर योग में घंटों तक मेरी बुद्धि परमधाम में रहे, परमात्मा के साथ रहे, इसलिए बुद्धि कैसी चाहिए? स्वच्छ। आईने के सामने जाओ और आईने के ऊपर धूल है, मैला है, और सामने खड़े रहो कि आपका प्रतिमा आएगी उसके अंदर? आएगी लेकिन धुंधली। इसी तरह जिसकी बुद्धि अस्वच्छ है, अस्वच्छ बुद्धि के सामने विजन नहीं बन सकते।
इसीलिए बाबा ने जितना ये ज्ञान सुनाया है, ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, हर आत्मा का अपने अपने हिसाब है, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, इस ज्ञान के आधार से बुद्धि को कैसे रखेंगे? स्वच्छ। और जिसकी बुद्धि स्वच्छ है, क्लीन है, क्लियर है, योग में बैठेंगे उसको परम धाम को स्पष्ट देख सकेंगे। और योग उनके लिए बड़ा इजी है। इसको तो हम शाम के सेशन में क्लियर करेंगे कि बुद्धि क्यों अस्वच्छ बनती है। तो कहने का भाव, बुद्धि को कैसे रखना पड़ेगा? स्वच्छ। और साथ में मन कैसा चाहिए? हल्का चाहिए। जिसका मन हल्का है, जिसकी बुद्धि स्वच्छ है, वो घंटों तक योग में बैठ सकता है। तो मन कैसे हल्का रखना है वो तो हम 10:30 बजे वाले क्लास में देखेंगे। तो कहने का मतलब, हमारी बुद्धि कैसी चाहिए? स्वच्छ और मन हल्का। आप योग में बैठे हैं, आपका बाबा से योग है या नहीं है कैसा पता चलेगा? आप जब आप योग में बैठे हैं, लाल लाइट चल रहे, गीत बज रहे हैं, लेकिन ये योग है या नहीं है कैसा पता चलेगा? कैमरा कहां है कैसा पता चलेगा? टीवी में जो दृश्य चल रहा है, टीवी के अंदर जो दृश्य है, वहां कैमरा लगा हुआ है। इसी तरह मेरे मन में जो थॉट चल रहे, विचार चल रहे, वहां मेरी बुद्धि है। बैठे योग में लेकिन कोई व्यर्थ चिंतन चल रहा है, व्यर्थ संकल्प चल रहा है, इसका मतलब मेरा योग बाबा से नहीं है। तो मन की गलती है। वास्तव में टीवी में जो दृश्य आ रहे, टीवी की क्या गलती है? कैमरे को घुमा लो तो ऑटोमेटिकली दृश्य क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। इसी तरह जब हम योग में बैठे हैं, अगर योग में कोई व्यर्थ विचार चल भी रहे तो क्या करो? बुद्धि को घुमा लो, बुद्धि को बाबा के तरफ लगाओ, उस मन के विचार बदल जाएंगे। इसीलिए बुद्धि के ऊपर सारा मदार है, योग का सारा मदार बुद्धि के तरफ है। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे अपने बुद्धि से बातें करो, बुद्धि आपका मंत्री है। अगर किसी का मंत्री भ्रष्टाचारी है, मंत्री खराब है, तो क्या हो जाएगा? राजा तो कंगाल हो जाएगा। इसी तरह अगर मेरी बुद्धि मेरा कहना नहीं मानती, मेरी बुद्धि मेरे वश में नहीं है, तो योग में हम ज्यादा समय टिक नहीं सकेंगे। इसीलिए बुद्धि से बातें करो। हे बुद्धि, जिसको कहते हैं विवेक, विवेक को जागृत करो। हे बुद्धि, तुमने तो कितना जन्मों से मुझे भटकाया, मुझे कंगाल बनाया, अब तो संगम युग है, उस सर्वशक्तिमान के साथ मंगल मिलन करने का समय है। हे बुद्धि, तुम मुझे क्यों भटकाती हो? तुम तो मेरा मंत्री है, मैंने तुम्हें कितना ऊंचा पद दिया है। तो इसलिए हे बुद्धि, अब तुम्हें भटकना नहीं है। जब योग में बैठे हैं, तुरंत मन में विचार बदल गए तो बुद्धि से बातें करो। बुद्धि, तुमको मैंने क्या बोला था? तुमको बोला था बाबा को याद करना है, तुम बाहर क्यों जाते? तुम्हें उसे क्या मिलेगा? तो इस तरह से जो बुद्धि से बातें करेगा, जिसकी बुद्धि समझ जाएगी, जिसका विवेक जागृत हो जाएगा, उसको योग लगाना बड़ा इजी है। इसलिए हमें क्या करना है? बुद्धि को अपने वश में रखना है। जिसका बुद्धि कहना नहीं मानती, वो राजा नहीं बनेंगे। राजा कौन बनेगा? जिसका मन और बुद्धि वश में है। और उसमें से भी बुद्धि, अगर बुद्धि जिसके वश में आएगी, मन भी उसके वश में आएगा, सभी इंद्रियां भी वश में आएगी। इसलिए बुद्धि का बहुत बड़ा महत्व है।
इसीलिए सारा दिन अपने मंत्री से बातें करो। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? ब्रह्मा बाबा ने यही शुरू में अभ्यास किया। आज हम अपने दिल पर हाथ रख करके पूछे, हम अपने बुद्धि को, अपने मन को, मन के साथ बातें करते हैं। इसलिए क्या करना है, अगर योग करना है मन बुद्धि को समझना बड़ा जरूरी है। नहीं तो होता क्या है, मन एक तरफ है, बुद्धि एक तरफ है, हम योग लगा रहे हैं और उससे प्राप्ति नहीं होगी। और जब भी योग में बैठते ज्यादा विचार लेकर के नहीं बैठना, नहीं तो हम क्या करेंगे, बैठेंगे मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं शक्ति स्वरूप, मैं प्रेम स्वरूप हूं, जितने भी कुछ संकल्प है सब एक साथ में ले लेंगे। लेकिन नहीं, योग में बैठते समय एक सोमान या एक कोई अनुभव लो। अब समझो कोई घर में मेहमान आया और उसको कहो यहां बैठो, नहीं नहीं उठो भाई यहां बैठो, नहीं 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 यहां बैठो, नहीं यहां बैठो, वो कहेगा मुझे कहीं भी नहीं बैठना, जाओ। अब इसी तरह हम क्या करते हैं, मैं आत्मा हूं, नहीं नहीं उठो शांत स्वरूप, नहीं 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 उठो शक्ति स्वरूप, नहीं उठो शांत स्वरूप, वो कहेगा मुझे कहीं भी नहीं जाना, मैं बाहर जाता हूं। इसीलिए योग में एक विचार लेना है, एक पॉइंट लेना है और उसके गहराई में जाना है, तब योग में अनुभव कर सकेंगे। अनुभव करना है, ऐसे नहीं कि केवल रिपीटेशन करना है। और आपका अगर सच्चा योग लगा है, रियली योग लगा है, तो आपको इस संसार की व्यर्थ बातें ना दिखाई पड़ेगी ना सुनाई पड़ेगी। एक बार की बात है, अकबर नमाज पढ़ रहे थे। जब अकबर नमाज पढ़ रहे थे, चद्दर बिछाई थी और एक माताजी वहां से गई, उसके चद्दर के ऊपर से गई, तो अकबर को गुस्सा आया। लेकिन गुस्सा आया तब तक वो चली गई, क्योंकि माताजी का पति गुम हो गया था, वो पति को ढूंढ रहे थे। तो इसलिए उसकी बुद्धि यहां नहीं थी, वो पति के अंदर बुद्धि लगी थी, इसलिए वो उसको दिखाई नहीं पड़ा। और जब जाकर के उसने पति को ढूंढ के लाया, फिर वापिस आ रहे थे, बड़ी खुशी से आ रहे थे, तो अकबर ने देखा वही माताजी है जो मेरे चद्दर के ऊपर से गई। तो माताजी को बुला करके डांट लगाता है, कहते तुमको दिखाई नहीं पड़ा, तुम अंधी थी, मैं नमाज पढ़ रहा था। उसी समय वो माताजी क्या बोलते हैं, मुझे माफ करना, मुझे दिखाई नहीं पड़ा क्योंकि मेरा पति गुम हो गया था, इसलिए मेरी बुद्धि कहीं लगी थी, उस पति में लगी थी। लेकिन आप तो अल्लाह को याद कर रहे थे, अल्लाह को याद कर रहे थे, इसका मतलब आपकी बुद्धि अल्लाह में जानी चाहिए। अगर मैं आपको दिखाई पड़ी, इसका मतलब आप अल्लाह को याद नहीं कर रहे थे। तो देखो उसको इतना ये बात जज की, कितनी बड़ी बात कह के गई। इसी तरह अगर हम योग लगा रहे हैं, कोई ढोल बज रहा है उसका आवाज आ रहा है, इसका मतलब मेरा योग नहीं है। कोई सामने से लोग आ रहे जा रहे वो दिखाई पड़ रहे, इसका मतलब मेरा योग नहीं है। जिसकी बुद्धि बाबा में लगी है, उसको इस संसार की बातें ना दिखाई पड़ेगी ना सुनाई पड़ेगी। ये है लगन में मगन वाला योग। इसलिए ऐसा योग हमें करना है। तो वास्तव में योग की विधि क्या है, उसका एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल आपको देते हैं, इससे बहुत क्लियर हो जाएगा कि योग की विधि क्या है। जैसे आजकल मोबाइल निकला है, सबके पास मोबाइल होता है, तो मोबाइल चार्ज करने की विधि क्या है सब जानते हैं ना। मोबाइल को कहीं भी डाल दो तो चार्ज हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन वहां करंट चाहिए, बिजली का पॉइंट चाहिए। तो मोबाइल को चार्ज करने के लिए क्या करते हैं, प्लग के पास लेके जाते हैं। और वास्तव में मोबाइल चार्ज नहीं होता, चार्ज क्या होते हैं, बैटरी चार्ज हो जाते हैं। इसी तरह शरीर हमारा मोबाइल है और आत्मा उसकी क्या है, बैटरी है। तो इस आत्मारूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए भी हमें क्या करना है, दिन में एक बार अपने मोबाइल को प्लग के पास लाना है
सेंटर या गीता भट्ट साहब बाबा का कमरा ये प्लग का पॉइंट है। हमें अपने मोबाइल को दिन में एक बार क्या करना है, बाबा के कमरे में, सेंटर में, गीता भट्ट साहब में लेके जाना जरूरी है। पहले जमाना अलग था, जब ओरिजिनल मोबाइल निकले थे नोकिया के, एक बार चार्ज करो उसकी बैटरी 8 दिन चलती थी, लेकिन आजकल डुप्लीकेट मोबाइल है सब, चाइना मोबाइल, सैमसंग मोबाइल, 2-4 कॉल करो तुरंत डाउन हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। तो इसी तरह पहले जमाना अलग था, जब दादिया ओरिजिनल गॉडली कंपनी की सेट, ओरिजिनल मोबाइल जब ज्ञान में आए थे, एक बार योग लगाओ उनका 8 दिन स्थिति रहती थी, लेकिन आजकल तो हम डुप्लीकेट मोबाइल आज ज्ञान में चल रहे, कल हो गए नहीं हो गए उसका कोई भरोसा में नहीं, ऐसे वाले हैं, कब बंद करेगा उसका कोई भरोसा नहीं। तो ऐसे मोबाइल को क्या करना पड़ेगा, दिन में एक बार प्लग के पास लाना ही है। कई बोलते नहीं हम घर में योग लगा रहे और मोबाइल को कहीं भी डाल दो, कहो चार्ज हो जाए, हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन वह हाँ बिजली का करंट चाहिए। इसलिए हमें क्या करना है, अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए क्या करना है, दिन में एक बार उसको प्लग के पास लाना है, सेंटर पर लाना है। अच्छा समझो मोबाइल को प्लग के पास लाया, रात भर रखा, लेकिन उसकी तारे प्लग में डाली नहीं, मोबाइल को ला करके रात भर रखा लेकिन उसकी तारे प्लग में नहीं डाली, तो क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। इसी तरह हम आकर के सेंटर पर बैठ गए, बाबा के कमरे में बैठ गए, माना मोबाइल को लाकर के प्लग में के पास पटकाया, एक घंटा तक रखा, लेकिन मन बुद्धि की तार बाबा के साथ ज्वाइन नहीं की, परम धाम में नहीं लगाई, तो क्या आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाएगी, नहीं। केवल सेंटर पर आना, शरीर से वहां आना इतना ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन वहां आकर के क्या करना पड़ेगा, मन और बुद्धि की तार को बाबा में लगाना पड़ेगा। अच्छा एक तार डाली दूसरी नहीं डाली तो चार्ज हो जाएगा। इसी तरह हमने मन बाबा में लगाए, बुद्धि नहीं लगाई तो, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों भी तारें डालनी पड़ेगी। केवल एक तार डालने से नहीं तब मोबाइल चार्ज होगा। अच्छा दोनों भी तारें डाली, मोबाइल को लाकर के प्लग के पास भी रखा, लेकिन उसके बाजू का बटन रात भर बंद था स्विच, तो क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। इसी तरह कई भाई बहने क्या करते, बाबा के कमरे में आएंगे, बैठेंगे, मन बुद्धि लगाई, लेकिन ढ होके बैठे, कुछ नहीं सोचेंगे, ऐसे बैठेंगे, और फिर कहते योग का अनुभव हुआ ही नहीं, तो कैसा होगा। तो इसीलिए स्विच चालू करना जरूरी है। अभी इसी टूर में मैं ऐसा ही एक बार हुआ, जब मैं कई थोड़ा देर से आया बाहर से और अचानक सो गया, तो अचानक याद आया, अरे कल सारा दिन बात करनी है तो मुझे मोबाइल को चार्ज करना है, उठ गया और नींद में था इसलिए मोबाइल को चार्जिंग में लगाया, फिर सो गया। तो सवेरे देखता हूं तो मोबाइल चार्ज नहीं हुआ, मैं सोचने लगा क्या हुआ, तो देखा तो उसका स्विच बंद है। फिर सारा दिन बहुत बड़ी हैरानी हो गई, किसी से बात ही नहीं कर पाया। तो इसी तरह अगर हम योग में आकर के बैठ गए, मन बुद्धि तो लगाई, लेकिन अगर स्मृति गहरी नहीं है, स्मृति का स्विच हो पाए, तो योग में जो अनुभव करना चाहिए, जो पावर आनी चाहिए, वो नहीं आएगी। इसलिए स्विच चालू करना भी जरूरी है। तो स्मृतियां क्या करनी है, बाबा के उपकारों को याद करो। जब भी योग में बैठेंगे बाबा के उपकारों को याद करो, क्या बाबा ने उपकार किए हैं, कहां विकारों के गटर में गिरे थे, बाबा ने वहां से उठाया, गले लगाया, दुखों के आंसू पोछे, 63 जन्मों से किसी ने विकारों के गटर से नहीं निकाला, उठा करके बाबा ने छोड़ा भी नहीं, जाओ गले लगाया, गोदी में बिठाया, और बच्चे बच्चे करके रोज हमारी 63 जन्मों की थकान मिटा रहा है, माली बनकर के जीवन रूपी बगिया को सजा रहा है, सींच रहा है ज्ञान योग से, टीचर बनकर के पढ़ा रहा है, दोस्त बनकर के मदद कर रहा है,
सदगुरु बनकर के वरदानों का हाथ उसका सिर पर आए। तो जब हम योग में बैठेंगे सचमुच कितने बाबा के उपकार आज हमारे पर है। क्या कभी सोचा था कि हम देवी देवता बन सकते हैं? तीनों लोगों का, तीनों कालों का ज्ञान का डमरू डमरू बजा बजा करके आगम और निगम के भेद खोले, तो क्या ऐसे बाबा को, ऐसे सदगुरु को, ऐसे मालिक को हम कैसे भूल सकते हैं? इसी तरह उपकारों को याद करो, बाबा ने दिए हुए टाइटलों को याद करो, बाबा ने दिए हुए आज तक की स्मृतियां को याद करो, बाबा ने सुने हुए ज्ञान को याद करो, तब योग में मन बुद्धि भटकेगी नहीं। हम केवल बैठ जाते हैं, बस बैठ करके क्या करेंगे, मैं आत्मा हूं, फिर एक झुटका लगा देंगे, फिर देखो और पांच मिनट कम आए, फिर कहेंगे मैं आत्मा, फिर एक झुटका लगा देंगे, ऐसा वाला योग करते हैं। लेकिन नहीं, अलर्ट होकर के बैठना है और स्मृतियों को याद करो। जितना स्मृति स्वरूप होकर के बैठेंगे उतना करंट आएगा, बल आएगा, इसीलिए स्विच चालू करना जरूरी है। अच्छा, स्विच भी चालू किया, तारे भी प्लग में डाली, लेकिन कभी तार प्लग में डाल रहे फिर निकाल रहे, डाल रहे निकाल रहे, डाल रहे निकाल रहे, आधा घंटा यही काम कर रहे, तो क्या हो जाएगा? मोबाइल चार्ज होगा। तो इसी तरह सचमुच अगर हम योग में बैठे सारा दिन, आधा घंटे में कितना बार करते, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, परम धाम निवासी हूं, फिर कहीं घर के तरफ जाएंगे, कुछ घर का काम करेंगे, फिर कहेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, फिर कहिए किसी ने कुछ कहा है उसके तरफ जाएंगे, फिर कहेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, शक्ति, तारे डाल रहे निकाल रहे डाल रहे, यही काम चलता रहता है। अगर कोई मशीनरी होती, आपकी चेकिंग होती, तो पता चलता है आपका योग कितना लगा और बुद्धि भटकी कितनी। इसीलिए तारों को डालना निकालना नहीं है। तो कैसे डालते हैं निकालते हैं? समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं और आते आते रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा बैंगन की सब्जी का गाड़ी वाला जा रहा है बैंगन लेकर के, फिर सोचेंगे हाँ आज शाम को इसकी सब्जी बना देंगे, बड़े अच्छे बैंगन है, फिर सोचेंगे पहले जाकर के योग लगा करके मुरली सुनकर के जाते समय लेके जाएंगे, फिर यहां आकर के बैठ गए, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, फिर सोचे अरे थैली तो लाए नहीं, बैंगन कैसे लेके जाऊं? मतलब तार आपने क्या की, निकाल दी। फिर कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, फिर सोचे गैस के ऊपर जो दूध रखा था शायद उसको बंद किया है, ऐसा चल रहा है, फिर कहेंगे कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, फिर सोचे अगर घर में तो मेहमान आने वाला था और उनके लिए मैंने सोचा था कि छोले बनाए चने, लेकिन रात को तो बिगा ही नहीं बातों बातों में, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति। ऐसे करते करते लाल लाइट की सफेद लाइट हो गई, योग का टाइम पूरा हो गया। जो सामने वाला बैठने वाला सोचेगा वहां इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहां लगा था, बैंगन वाला योग या छोले वाला योग चल रहा है? तो ये माताओं की अपने प्रॉब्लम्स, भाइयों की अपने प्रॉब्लम्स, कोई दुकान में होगा तो कहेगा अरे तो मुझे तो माल मंगाने के लिए फोन करना था, चलो भूल गया, चलो योग करने के बाद जाऊंगा, योग के बाद फिर कर लूंगा, फिर मैं आत्मा हूं, शांत, फिर सोचे अरे वो कल की जो एक व्यक्ति ने उधारी लेके गया था मैंने वो लिखा ही नहीं, चलो बाद में लिख ही दूंगा ध्यान से, फिर कहे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, फिर सोचे अरे वो किसी ने टिफिन मंगाना, ऐसी ही बातें चलती है। अगर सचमुच आप बैठेंगे, अगर इन बातों का चिंतन करेंगे तो योग का अनुभव कैसा होगा? मुश्किल से चार्जिंग करने के लिए आधा घंटा आपको मिल रहा है और उसी आधे घंटे में तार डालते रहो निकालते रहो, असंभव है। और फिर कंप्लेन क्या कहेंगे? जब हम चलते फिरते हैं तो उस समय सोल कौन सी स्थिति नहीं रहती, आत्माभिमान स्थिति रहती नहीं, क्यों? क्योंकि आपने मोबाइल को रियली चार्ज किया ही नहीं तो सोल कॉन्शियस कैसे रहेंगे? इसीलिए बड़ा अटेंशन रखना है योग के समय। योग करते समय जितना अटेंशन से योग करेंगे, जागरूक होकर के योग करेंगे, उतना योग में अनुभव होगा। और कई भाई बहने बोलते नहीं हम जब योग लगाते, मेरा योग लगा या नहीं लगा, क्योंकि मैं तो आत्मा शरीर से निकल करके ऊपर गया ही नहीं, इसका मतलब मेरा योग लगा ही नहीं।
योग में कोई शरीर से आत्मा निकल करके नहीं जाती। अब समझो मोबाइल को आपने चार्जिंग में लगाया, दोनों तारे डाली, स्विच चालू किया, तो बैटरी चार्ज होने के लिए धीरे धीरे मोबाइल से निकल करके ऊपर आ रहे हैं और ऊपर आकर के प्लग में घुस रहे हैं। ऐसा होता है जब मोबाइल चार्जिंग में होता है तो बैटरी कहां रहते हैं? मोबाइल के अंदर ही रहते हैं। इसी तरह जब हम योग लगाते हैं तो जरूर नहीं कि आत्मा रूपी बैटरी कोई शरीर से अलग होकर के परम धाम में जाते हैं बाबा के पास, बैटरी यहीं रहती है। बहुत गहरी बात आई है, जिन्होंने इन बात को समझा उसके लिए योग इजी है। बैटरी बॉडी के अंदर ही रहते हैं, केवल आत्मा के साथ जो दो तारे हैं मन और बुद्धि, ये जाकर के परम धाम में बाबा के साथ टच होती है। ये तारे टच होना जरूरी है। अब समझो मोबाइल से बैटरी को निकाल करके प्लग के पास रात भर रखो, 15 दिन रखो, तो क्या चार्ज हो जाएगी? शरीर में होकर के जिसकी मन बुद्धि बाबा में है वो चार्ज हो जाता है, वो पावरफुल होता है। नहीं तो कलयुग के अंतिम समय जो आत्मा ऊपर से आने वाली है वो कितनी शक्तिशाली चाहिए, क्योंकि कितना समय से बाबा के पास रही है, वो शक्तिशाली या कमजोर है? कैसी है? कमजोर है, क्योंकि वो बॉडी के अंदर रह करके बाबा के पास नहीं थी। ये बड़ा महत्व का है। इसलिए शरीर में होते जिसकी मन बुद्धि बाबा में जाते हैं वो बड़ा महत्व का होता है, तब आत्मा में करंट आता है, पावर आते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इस मोबाइल के एग्जाम्पल को भी अगर समझा, आपको योग की विधि समझ जाए कि योग कैसे किया जाता है। इसलिए जब भी हमें अपने दिन में एक बार क्या करना है, अपने मोबाइल को प्लग के पास लाना है, दोनों तारे डालनी है, स्विच चालू करना है, और तारों को बार बार डालना निकालना नहीं, बस यही है योग। और जब आप ऐसा योग लगाएंगे आपके आत्मा में ताकत आएगी, बल आएगी, और तब जाकर के सोल कॉन्शियस रह सकेंगे, निराकारी स्थिति में रह सकेंगे, सारा दिन बाबा से बात कर सकेंगे, कर्म योगी बन सकेंगे। जिसकी बैटरी चार्ज हो जाती है उसको सारा दिन किसी से भी बात करना इजी है। और केवल बैटरी को चार्ज ही नहीं करना, साथ में क्या करना पड़ेगा? मोबाइल में दो पॉइंट होते हैं, एक टावर का पॉइंट भी होता है और दूसरा बैटरी। अब समझे बैटरी फुल चार्ज है लेकिन टावर नहीं है, तो क्या बात कर सकेंगे? इसी तरह हमने योग ठीक किया लेकिन मुरली नहीं सुनी, मुरली से टावर से कनेक्शन जुड़ जाता है। ज्ञान की बातें सुनने से, दुनिया की बातों से वैराग आता है, बुद्धि हट जाते हैं और बाबा का महत्व पता चलता है और बाबा के साथ योग लगता है, बुद्धि जाती है। इसीलिए टावर से कनेक्शन भी जरूरी है। तो टावर किसे आएगा? मुरली सुनने से। और चार्जिंग किसे होगा? योग लगाने से। अगर ये दोनों आपके पॉइंट ठीक है तो क्या हो जाएगा? सारा दिन कर्मयोगी बन सकेंगे। इसलिए हमें क्या करना है, योग ऐसा विधि से करना है। और योग हमें रोज 3-4 घंटा करना जरूरी है। कितना घंटा योग होना जरूरी है? आप कहेंगे नहीं नहीं, हम 3-4 घंटा टाइम कैसे निकालेंगे? निकाल पाएंगे। 3 या 4 घंटा हमारा बैठ करके योग जरूरी है, तब जाकर के आप इस संसार की विकारी वायुमंडल से उपराम रह सकेंगे। तो 3-4 घंटा योग कैसे करें? सवेरे अमृत वाला 1 घंटा, सब उस समय फ्री रहते हैं, अमृत वाला कंपलसरी सबको करना ही है, तो कितना घंटा हो जाएगा? 1। उसके बाद क्लास से पहले आप जब मुरली सुनते हैं, मुरली सुनने से पहले भी हमें क्या करना है? 1/2 घंटा योग करके फिर सुनने हैं। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, क्लास से पहले बिना योग करके आ करके मुरली सुन के चले जाएंगे। जो केवल मुरली सुनता है उसके बुद्धि में मुरली सारा दिन नहीं रहेगी। गरम तवे पर पानी डालो तो क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। दिमाग गरम है, संसार की बातें, व्यर्थ बातें, और उसके अंदर ज्ञान की बातें डालो, उड़ जाएंगी।
इसलिए दिमाग को क्या करना है, हमें आधा घंटा बैठ करके योग में उसको थोड़ा शांत बनाना है। खेती में बहुत बढ़िया अनाज डाल दिया, बीज डाल दिया, लेकिन उसको पानी नहीं डाला। स्मृति है पानी, बार बार स्मृति करने से पानी डाल दिया। उसको हल चलाना, हल मतलब हल चलाने से बीज क्या हो जाएगा, अंदर जाएगा। अगर आपने हल नहीं चलाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर ही रह जाएगा। इसी तरह क्लास से पहले योग लगाने से क्या होता है, वो ज्ञान की बातें हमारी बुद्धि में जाएगी, एकाग्र बुद्धि होगी। और जो एकाग्र होकर के ज्ञान सुनता है, जिसकी बुद्धि नहीं भटकती, उसके धारणा में वो बातें आएगी। इसलिए क्लास से पहले योग लगाना बड़ा जरूरी है। आज से इसी भट्टी के बाद ये अपने दिनचर्या में परिवर्तन करना, और मुरली का भी बहुत आपको आनंद आएगा। जब मुरली सुनते समय बहुत रस आएगा आपको। रस किसको आएगा, जो क्लास से पहले आधा घंटा योग करता है उसको। सीधा ही आकर के बैठेगा तो मुरली का आनंद नहीं आएगा। मुरली से जो सुख मिलता है वो सुख नहीं मिलेगा। इसलिए आधा घंटे का योग करना है। और हमें सामूहिक योग, संगठन का योग कब मिलता है, सारा दिन मिलता है, अमृत वाला भी नहीं मिलता, सारा दिन भी नहीं मिलता। तो केवल क्लास के पहले वाला जो योग है ये बड़ा महत्व का है। संगठन में लकड़ियां बहुत सारी जल रही, एक गीली लकड़ी भी डाल दो तो क्या हो जाएगी, वो भी जलना शुरू हो जाएगी। सबका योग लग रहा है, उसमें आकर के आकर बैठ जाओ आप तो आपका भी योग लग जाएगा। इसीलिए क्लास से पहले योग करना जरूरी है। तो कितना घंटा हुआ, डेढ़ घंटा। उसके साथ साथ शाम रात को सोने से पहले अच्छी तरह योग लगा करके फिर सो जाए, आधा घंटा 15-20 मिनट पावरफुल योग करके सो जाए। क्योंकि अमृत वेला का फाउंडेशन है सोने की पहली की बेला। जिन्होंने सोने के पहले योग लगा करके सोए उसकी अमृत वेला अच्छी होगी। ये तो कई भाई बहनों का एक कंप्लेन है, मेरी अमृत वेला अच्छी नहीं होती, पता नहीं क्या होता है, क्यों नहीं होती, क्योंकि सोने के पहले वो फाउंडेशन ठीक नहीं बनाया। हम कैसे सोते हैं, सोने के पहले बिस्तर डाल देंगे, बाबा को कहेंगे बाबा आज तो बहुत थक गए, घर बहुत मेहमान आए थे, दोपहर को मैंने रेस्ट भी नहीं किया था, अभी तो मुझे इतनी नींद आ रही, तो बाबा प्लीज मुझे 4 बजे जरूर जगा देना, और कल सवेरे उठना है, बर्तन मांजना है, ऐसे करते करते विचारों में सो जाएंगे। तो बाबा तो ओबेडियंट सर्वेंट है, सवेरे उठाएगा, उठते ही याद आएगा अभी तो घड़ी में 4 को 5 मिनट कम है, थोड़ा और 5 मिनट के बाद फिर उठ जाएंगे, क्योंकि कल मैंने दिन में रेस्ट नहीं किया था, वही बात याद आएगी, कल घर में मेहमान आए थे, 5 मिनट के लिए सो जाते, 5 मिनट के बजाय 5 बजे का पता भी नहीं चलेगा। अच्छा उठ भी गए जबरदस्ती, उठ करके योग लगाने के बजाय नमाज पढ़ेंगे, नमाज में क्या करते हैं, नीचे होते हैं फिर ऊपर करते हैं। इसी तरह योग करते समय कई भाई बहने झुटका लगाते, ये क्यों हो गया, क्योंकि सोने के पहले आपने ऐसा फाउंडेशन। इसलिए सोने से पहले एक कोई अव्यक्त वाणी पढ़े, कोई सोमान लेकर के जागृत अवस्था में उपराम होकर के फिर सो जाए, तब आपका अमृत वेला बहुत अच्छा होगा। तो कितना घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ। और सवेरे सवेरे याद रखना कौन आता है, सवेरे सवेरे आलस आता है, और आलस दोस्त बन करके आता है, और क्या कहेगा, सो जाओ आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप ट्रैवलिंग करके आए, रात को मच्छर काटे थे, थोड़ा सो जाओ, 12 बजे सोए थे, थोड़ा सो जाओ, बहुत मीठा बोलेगा। अगर आलस के साथ दोस्ती की तो बाकी सभी विकार आएंगे। अभिमन्यु को मारा था, कैसे मारा था, एक सैनिक ने उसको लेके गया, और लेके जाकर के क्या क्या सभी ने उसको चक्रों में डाल करके खत्म किया। इसीलिए माया भी क्या करते हैं, रोज आपको खत्म करने के लिए चक्रव्यूह बनाते हैं, और चक्रव्यूह में सबसे पहले कौन आता है, आलस। जब आलस सुलाएगा, बाकी सभी
उसके जो साथी हैं, परचिंतन कहेगा मैं भी चलता हूं, मेरा भाई भी गए, फिर क्रोध भी कहेगा मेरा भाई गया मैं भी चलता हूं, सभी आकर के आपको खत्म करेंगे। इसीलिए आलस का खून करना है, जिसने आलस का खून किया उसके पास कोई विकार नहीं आ सकता, क्योंकि आलस को खत्म करने से, अलर्ट होकर के अमृत वेला करने से आत्माभिमानी स्थिति बनेगी, और जहां आत्माभिमानी स्थिति है कोई भी माया नहीं आ सकती। इसलिए अमृत वेले के समय आलस ना आ जाए। और सवेरे सवेरे क्या लगता है, अच्छा हा? जो वडने का क्या होता है, गदीला रजाई, सवेरे सवेरे, आज तो आजकल तो गर्मी है रजाई अच्छी नहीं लगती, लेकिन गदीला अच्छा लगता है आजकल, सवेरे सवेरे ठंडी हवा चलते है मस्त। जो 4 बजे गदीले के पर सोएगा, रजाई ओढ़ करके सोएगा, उसको गधाई मिलेगी, रजाई नहीं मिलेगी। अगर रजाई चाहिए तो क्या करो, रजाई का त्याग करो, गदीले का त्याग करो तो रजाई मिलेगी। इसलिए 4 बजे हमें अलर्ट होकर के अमृत वेला करना है, और वही योग सारे दिन का आधार है, इसलिए उसी समय थोड़ी सी मेहनत करनी है। तो कितना घंटा हुआ, 1 घंटा अमृत वेला का, आधा घंटा क्लास के पहले, सोने के पहले आधा घंटा, और उसके बाद सारा दिन ट्रैफिक कंट्रोल, वो भी आधा घंटा हो जाएगा, और शाम को नुमा शाम का योग 6:30 से लेकर के 7:30। अगर फ्री है सेंटर पर आकर के बैठो, या थोड़ा अटेंशन लेकर के बैठो, तो सहज आपका 3-4 घंटा योग हो जाएगा। तो इसी तरह हमें क्या करना है, योग की तरफ अटेंशन देना है। लेकिन योग करते समय जैसे कहा, जागृत होकर के बैठना। जागृत किसको कहेंगे, जिसकी बुद्धि खुली है, आंखें खुली तो रखनी है लेकिन साथ में बुद्धि भी खुली हो, नहीं तो कई क्या करते, आंखें तो खुली है लेकिन बुद्धि सोई है, मतलब बुद्धि के सामने कोई परमधाम दिखाई नहीं पड़ रहा है, बुद्धि के सामने बाबा दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो जागृत होते हुए भी सोया है, ये भी आलस है। इसलिए ये आंखें खुली, इसके साथ साथ बुद्धि भी, बुद्धि रूपी आंख भी खुला, नहीं तो कई क्या करेंगे, योग करते करते नींद करेंगे। बाबा तो कहते हैं अमृत वेले के समय, ये योग के समय तुम्हारा मैं श्रृंगार करता हूं, समझे किसी के चेहरे की मेकअप हो रहे, और जिसके चेहरे की मेकअप हो रहा है वो झुटका लगा रहे, यहां का मेकअप यहां पहुंच जाएगा ऊपर। तो इसी तरह बाबा हमारे भाग्य में लिख रहे अमृत वेले के समय, योग के समय, लेकिन हम झुटका लगाते मना, लिखने ही नहीं दे रहे उसको। इसीलिए अलर्ट होकर के बैठना है। तो बाबा कहते हैं रोज सवेरे सवेरे मैं आपके घर में आता हूं, आप जहां भी योग लगाते हैं बाबा चक्कर लगाता है, तो बाबा दिखाई पड़ता है, दिखता है बाबा अमृत वेले, उसको दिखाई पड़ेगा जो जागृत होकर के बैठेगा, जो अलर्ट होकर के बैठेगा। अगर निद्रा के नशा में है, आंख बंद है, झुटका लगा रहे, कैसा बाबा दिखाई पड़ेगा, देहभान में होकर के बैठा है, समझो कोई शराबी शराब पीकर के गटर में गिरा है, और कोई जाकर के उसको कहो भाई आप 10 रुपए ले लो और जाकर के आप अपने घर में जाकर सो जाओ, वो क्या कहेगा, वो निद्रा के शराब के नशे में है, वो कहेगा नहीं मैं राजा हूं मुझे कुछ नहीं चाहिए, गिराए गटर में लेकिन नशे के कारण क्या कहता है, राजा हूं। इसी तरह अमृत वेले के समय बाबा वरदानों का झोला लेके आता है हमारे घर में, जहां हम बैठते वहां, और पूछता है सवेरे सवेरे बच्चे कुछ चाहिए, लेकिन हम निद्रा के नशे में ऐसे झुटके लगाते हैं। अगर आपका सवेरे अमृत वेले के समय का चुपचाप कोई वीडियो बना है, कोई ऐसा झूम रहा है, कोई ऐसा झूम रहा है जैसे कोई शराब पिया है, लेकिन नहीं, इसको कहते हैं निद्रा की नशा। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे जो नशे में होगा उसको बाबा कैसे दिखाई पड़ेगा, इसीलिए नशे को त्याग दे करके अलर्ट होकर के बैठो। और कई तो क्या करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं करके परमधाम तक जाएंगे और वहां से झुटका लगा देंगे। अगर परमधाम से गिर गए नीचे कितना चोट लग जाएगी, इसीलिए अलर्ट बैठते हैं कि हम परमधाम में आया हूं। एक भाई ने मुझे क्वेश्चन पूछा था, कहा कि भाई साहब मुझे सवेरे का जो अमृत वेला है ना, अमृत वेले के समय मैं अलार्म लगाता हूं लेकिन वो सुनाई नहीं पड़ता,
हमने कहा क्यों? कहते मैं तो परमधाम में सोने के लिए जाता हूं और अलार्म मेरे बेड पर बजता है तो कितना लंबा डिस्टेंस है, इसीलिए मुझे सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा तो बात तो सही है, लेकिन हमने कहा आप परमधाम में नहीं जाते हैं, आप कोई निद्रा लोग में जाते होंगे, क्योंकि परमधाम तो शांति की दुनिया है। जब शांति की दुनिया में जाते तो अलार्म बज रहे तो आपको जगना चाहिए। केवल सोना मतलब ये नहीं, एक निद्रा लोग भी होता है, जो निद्रा लोग में उसको अलार्म सुनाई नहीं पड़ता। इसीलिए हमें क्या करना है, अलर्ट बैठना है। और जो योग में अलर्ट बैठेगा उसका योग लगेगा। कई बोलते योग में नींद आती है, नींद आने के कई कारण है। एक तो हम सामने कौन बैठा है, किसके सामने बात कर रहे हैं, ये भूल जाते हैं। अब कोई घर में मेहमान आया, या समझो किसी मेहमान को घर में बुलाओ 9 बजे आप हमारे घर में आना, लेकिन मेहमान आने से पहले अपने दरवाजा खिड़की लगा करके चुपचाप बैठ गए, वो बेल बजा रहे लेकिन आप नहीं उठ रहे, उसको कितना इंसल्ट फील होगा। इसी तरह बाबा कहेंगे मीठे बाबा प्यारे बाबा आप आ जाओ हम आपसे बातें करनी, उसको बुलाया फिर दरवाजा खिड़की लगा करके सो गए। अब उस मेहमान को बुलाया और क्या किया, दरवाजा खिड़की लगा करके। इसीलिए अलर्ट बैठना है कि हम किसके सम्मुख बैठे हैं। और किसी मेहमान को बुलाओ और उसे बातें नहीं करो, बस चेहरे की तरफ देखते रहो बस। अब वो सोचे कि इसको क्या हो गया है? इसीलिए बाबा कहते बच्चे योग करते समय हमें क्या करना है, बाबा से रूरवन करने है, बाबा से बातें करनी है। कई बोलते क्या बातें करें, कोई डॉक्टर अगर पेशेंट के पास आता है, पेशेंट बोलता है कि मैं क्या बातें करूं, जो बीमारी है वो बताता है, या जिसकी कोई बीमारी नहीं उस डॉक्टर ने जो उपकार किया उसको कहता है डॉक्टर साहब आपका धन्यवाद, अपनी इतनी अच्छी दवाई दे मैं एकदम ठीक हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह बाबा को, बाबा आपका जब से ज्ञान लिया बड़ा मजा आ गया, मुझे बहुत सुख मिल रहा है, बहुत शांति मिल रहा है, यही रूरवान। केवल चुप बैठेंगे तो उसको लगेगा इसको क्या हुआ। कई बोलते बाबा तो भगवान है ना, बाबा को पता नहीं मेरे को क्या हुआ। अब कोई डॉक्टर के पास पेशेंट गया, उस समय डॉक्टर पूछता आपको क्या हुआ, तो पेशेंट थोड़ी बोलता आपको पता नहीं मेरे को क्या हुआ, आप डॉक्टर किसी लिए बने हा? तो बोलना पड़ता है। इसी तरह बाबा से रूरवान करनी है, बाबा से बातें करनी है, ये है योग। तो इसलिए हमें योग में क्या करना है, विधि से करना है, अलर्ट होकर के करना है, तब योग में हमें अच्छा अनुभव होगा, योग में शक्तियां मिलेगी, बल मिलेगी। और योग में अलग अलग विजन बनाने हैं। मेरे पास तो 900 विजन्स है। कैसे योग में हम विजन लेकर के अभ्यास करें, वो शाम के समय हम उसका योग करने वाले हैं 7 से लेकर के 7:30 तक। अगर आप विजन के अनुसार योग करेंगे 1 घंटा तो क्या 4 घंटा भी आप योग में बैठेंगे आपको आनंद आएगा, बहुत मजा आएगी। तो ऐसे हमें क्या करना है, मन और बुद्धि को समझ करके, मन और बुद्धि को यथार्थ लगा करके फिर योग करना है, तब योग में अच्छा अनुभव होगा, योग में हमें बहुत अच्छी तरह अटेंशन रहेगा। तो वैसे तो योग का ये टॉपिक काफी 2-2.5 घंटे का है, कैसे योग लगाएं, लेकिन यहां ही हम पूरा करेंगे, फिर आगे की दिनचर्या उसे अनुसार चलेंगे। बाकी आगे का जो टॉपिक है इसके बाद वाला, ये योग का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीवन की समस्या का समाधान कैसे करें, कारणों का निवारण कैसे करें, क्योंकि जब कारणों का निवारण करेंगे समस्या का समाधान करेंगे तब मन भटकेगा नहीं, बुद्धि भटकेगी नहीं। तो कई बोलते हैं योग में बैठते हैं, शुरू तो करते हैं मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं शक्ति स्वरूप हूं, फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला, मेरे को ऐसा क्यों बोला, फिर कहेंगे कोई बात नहीं मैं आत्मा हूं मैं शांत स्वरूप हूं, फिर कहेंगे मेरे को क्यों बोला। ऐसी बातें आपको बुद्धि को भटकाएगी। इसीलिए जीवन में आने वाली समस्या का समाधान कैसे करें, कारणों का निवारण कैसे करें, वो फिर हम आगे के टॉपिक में देखेंगे। तो योग की विधि क्लियर हो गई। अगर इस मोबाइल के एग्जाम्पल अनुसार भी आप योग लगाएंगे तब भी आपको योग में अच्छा अनुभव होगा। तो इसीलिए दोनों भी तारे डालने हैं, मोबाइल को प्लग के पास लाना है, स्विच भी चालू करना है और तारों को बार बार डालना निकालना
नहीं है। और बाबा के उपकारों को याद करना है, बाबा ने जो भी ज्ञान सुना है उसको याद करना है, और ऐसा हमें अलर्ट होकर के, और योग कितना घंटा करेंगे, 3-4 घंटा, कैसे वो भी आपको बताया अमृत वाला का एक घंटा क्लास के पहले, अभी से इसी भट्टी के बाद ये प्रयोग करना शुरू करना आप लोग। उसके लिए कोई कारण नहीं बताना, नहीं हमें टाइम नहीं मिलता, देखो हम मधुबन में रहते हैं इतना कारोबार रहता है, लेकिन लक्ष्य रखते कि मुझे क्लास से पहले योग करना है, लक्ष्य रखेंगे संभव होगा। 7 बजे मुरली चलते हैं, 6:30 बजे से योग करना है, और तब आपको योग में अनुभव होगा। योग बल जरूरी है, जिसके पास योग बल नहीं है, चाहते नहीं है, तो भी गलतियां हो जाती हैं। बुद्धि में ज्ञान है तो भी गलतियां हो जाती है, क्योंकि बुद्धि को मन को कंट्रोल करने की ताकत नहीं है। केवल ज्ञान होने से नहीं होता, ज्ञान कोई बल नहीं है, लेकिन योग है बल, योग से आप कंट्रोल कर सकेंगे। ज्ञान है समझ, इसलिए योग और ज्ञान का हमें क्या